वेलकम टू ए बी सी कैंपस आज हम अकाउंटिंग फंडामेंटल्स के टॉपिक में ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन एंड आंसर वन टू टेन को कवर कर रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर वन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू पहला है कि अकाउंटिंग कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द रिकॉर्डिंग एंड समराइजिंग ऑफ ट्रांजेक्शन ये कंप्लीट डेफिनेशन तो नहीं है लेकिन मेन काम जो है अकाउंटिंग में वो यही है कि हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं और समराइज कर रहे होते हैं तो ये स्टेटमेंट ट्रू है दूसरी स्टेटमेंट है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रेस्क्राइब द प्रोडक्शन ऑफ अ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बिल्कुल हमारी ये दोनों स्टेटमेंट ही हमारी मेन स्टेटमेंट होती हैं आज दो के और भी तीन स्टेटमेंट्स हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का हिस्सा है फॉर इंटरनल यूज़ इसमें ये जो फॉर इंटरनल यूज़ वाली बात लिखी हुई है ये गलत है क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो सिर्फ इंटरनल यूज़ के लिए नहीं होती बल्कि एक्सटर्नल इन्वेस्टर्स जैसे इन्वेस्टर्स लैंडर्स सप्लायर्स ये भी प्राइमरी यूजर्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट को करेक्ट कंसीडर नहीं किया जा सकता कि ये इंटरनल यूज के लिए होती हैं इंटरनल यूज तो मैनेजमेंट का होता है और वो बहुत ही लिमिटेड होता है मैनेजमेंट का या इंप्लाइज का कह लें तो सिर्फ पहली स्टेटमेंट करेक्ट है सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा क्वेश्चन टू है कि द टर्म्स अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग आर क्लासिफाइड एज इन टर्म्स को हम सेम कंसीडर करते हैं डिफरेंट या अपोजिट अपोजिट तो ये नहीं है क्योंकि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग सिमिलर नेचर की ही टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं लेकिन ये टर्म बिल्कुल सेम भी नहीं है अगर हम लेक्चर से याद करें तो हमने डिस्कस किया था कि बुक कीपिंग इज रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन अकाउंटिंग उससे वाइडर टर्म है जिसमें रिकॉर्डिंग के साथ साथ समराइजिंग एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग और फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी इन्वॉल्व हो जाती है तो ये बिल्कुल सेम भी नहीं है और अपोजिट भी नहीं है तो डिफरेंट बाहर जरूर है क्योंकि अकाउंटिंग का स्कोप बुक कीपिंग के स्कोप से ज्यादा ब्रॉड है क्वेश्चन थ्री है कि मेन एम ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज टू के मेन क्या है अच्छा इसमें अगर हम ऑप्शन वाइज एनालिसिस करें तो ऑप्शन ए है कि रिकॉर्ड ऑल ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ये जो रिकॉर्ड करने वाला काम है ये बुक कीपिंग टास्क है प्रोवाइड मैनेजमेंट विथ डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ कॉस्ट कॉस्ट का एनालिसिस देना कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के स्कोप में आता है तो वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के एम में तो नहीं आता फिर है कि प्रेजेंट द फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बाई मीन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये बिल्कुल एक मेन पर्पज है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का यह हमारा आंसर होगा फिर है कैलकुलेट प्रॉफिट अब इन्होंने पूछा है मेन एम मेन एम जो है वो प्रॉफिट कैलकुलेट करना नहीं होता हालांकि जब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर रहे होते हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे होते हैं तो उसमें प्रॉफिट भी कैलकुलेट करते हैं तो ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस है है लेकिन मेन एम नहीं है। इसलिए अकॉर्डिंग टू दिस डिस्कशन हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा क्वेश्चन फोर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट लाइकली यानी कम से कम किसके चांसेस हैं टू बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग सिस्टम इनमें से कौन सी चीज है जो हम बुक कीपिंग और अकाउंटिंग सिस्टम से बहुत कम एक्सपेक्टेशन जिसकी होगी तो ऑप्शन वाइज अगर एनालिसिस करें तो सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन ये तो बुक कीपिंग का टास्क है असरटेनिंग प्रॉफिट और लॉस ये हमारा अकाउंटिंग का टास्क है असरटेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन ये भी अकाउंटिंग सिस्टम का टास्क है सॉल्विंग टैक्स डिस्प्यूट विद टैक्स अथॉरिटीज ये लीस्ट लाइकली है क्योंकि ये काम अमूमन टैक्स कंसल्टेंट कर रहे होते हैं आल दो कुछ ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है कि जो लोग अकाउंटेंट्स होते हैं वो टैक्स की भी नॉलेज रखने की वजह से वो टैक्स की सर्विसेज भी दे रहे होते हैं अपने एम्प्लॉयर को यानी एक से ज्यादा फंक्शन सेम पर्सन परफॉर्म कर रहा होता है अकाउंटिंग और फाइनेंस भी और टैक्स भी लेकिन ये दोनों एक्चुअली अलग अलग काम हैं और अलग अलग लोग कर रहे होते हैं लेकिन किसी जगह बाद चांसेस हैं कि एक इंडिविजुअल मल्टी फंक्शन परफॉर्म कर रहा हो सो ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट क्योंकि ये लीस्ट लाइकली है है कि आप 31 2018 और फिर उन्होंने पूछा है कि व्हाट इज एक्सपेंडिचर इनकर्ड ड्यूरिंग पहला है एक्सटेंशन करते हैं तो ये इंप्रूवमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर ही होगा रिपेयर टू बिल्डिंग रिपेयर टू बिल्डिंग जो है वो इंप्रूवमेंट नहीं है ये तो मेंटेनेंस होती है जस्ट तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट होगा का मतलब है कि इंप्रूवमेंट आई है नॉन करंट एसेट में तो ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा दोनों कैपिटल एक्सपेंडिचर को ऐड कर लें 1.5 और 1.2, तो 2.7 मिलियन हमारा आंसर बन जाता क्वेश्चन नंबर सिक्स है कि बिजनेस हैज इनकर्ड फॉलिंग कॉस्ट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018 और फिर कॉस्ट देने के बाद एंड में पूछा हुआ है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन ड्यूरिंग द ईयर तो एक्सटेंशन इन बिल्डिंग इस ये तो इंप्रूवमेंट है लॉन्ग टर्म एसेट में तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा रिपेयर टू बिल्डिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है क्योंकि रिपेयर से जस्ट मेंटेनेंस होती है ये रूटीन काम है ओवरऑल टू मशीनरी दैट इंक्रीज प्रोडक्शन कैपेसिटी इंप्रूवमेंट है इसलिए ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा लॉन्ग टर्म एसेट की इंप्रूवमेंट है तो जस्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक है पॉइंट फाइव मिलियन यही हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर सेवन है क्या बिजनेस इनकर्ड फॉलोइंग फॉलिंग हैज इनकर्ड फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर दर थर्टी फर्स्टर टू थाउजन एटीन कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग का दिया हुआ है ओपनिंग कॉस्ट ऑफ मशीनरी ओपनिंग एक्सटेंशन इन बिल्डिंग रिपेयर टू बिल्डिंग ओवर हाल टू मशीनरी वट इज द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग अच्छा इसमें अगर आप देखें तो पहली अमाउंट जो फिफ्टीन पॉइंट फाइव की है ये कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग है ये तो खुद बताई हुई है कॉस्ट ऑफ मशीनरी जो है ये बिल्डिंग में तो शामिल नहीं होगी मशीनरी एक सेपरेट एसेट होता है एक्सटेंशन इन बिल्डिंग ये भी बिल्डिंग की कॉस्ट में शामिल करेंगे क्योंकि ये बिल्डिंग में इंप्रूवमेंट है और उसके बाद रिपेयर टू बिल्डिंग इसको शामिल नहीं करेंगे ये बिल्डिंग से तो रिलेटेड है लेकिन ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ओवरऑल टू मशीनरी जिससे प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हुई ये है तो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर लेकिन ये मशीनरी से रिलेट करता है तो ये हमारे क्वेश्चन से रेलिवेंट नहीं है तो दो आइटम जो रेलिवेंट हैं 15.5 और 1.5 टोटल बन जाएगा 17 मिलियन ये हमारा आंसर होगा क्वेश्चन एट है बिजनेस एज इनकर्ड फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड थर्टी फर्स्ट दिसंबर टू थाउजेंड एटीन तो इनफॉर्मेशन दी हुई और पूछी हुई है कि वट इज़ द कॉस्ट ऑफ मशीनरी तो सबसे पहले जो कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग दी हुई है ये तो बिल्डिंग से रिलेट करता है मशीनरी की कॉस्ट में नहीं आएगा मशीनरी वाली अमाउंट हम ले लेंगे बिल्डिंग की एक्सटेंशन का ताल्लुक नहीं है मशीन machine से मशीनरी से इसी तरह रिपेयर टू बिल्डिंग ना ये मशीनरी से रिलेट करती हैं और ये वैसे भी रिपेयर जो हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होती हैं इंक्रीज प्रोडक्शन कैपेसिटी क्योंकि प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है इसका मतलब है कि लॉन्ग टर्म एसेट में इंप्रूवमेंट आ रही है रिलेट भी मशीनरी से कर रहा है तो ये रेलिवेंट है तो 10.2 एंड 1.2 11.4 मिलियन हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नाइन है कि अब बिजनेस बिल्डिंग तीन uh, कॉस्ट हैं और फिर वो कह रहे हैं कि जी प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर इन द अब एडजस्टमेंट इज 5.6 पॉइंट सिक्स मिलियन वट विल बी द प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर चार्जिंग द अब रिपेयर अच्छा खुद ही रिपेयर भी कह दिया है एक्सटेंशन इन बिल्डिंग तो वैसे भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है और ओवरऑल टू मशीनरी जिससे कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है रिपेयर टू बिल्डिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो प्रॉफिट और लॉस में सिर्फ रेवेन्यू वाले आइटम कंसीडर होते हैं तो हम ये प्रॉफिट ले लेते हैं 5.6 मिलियन का और 0.5 मिलियन का रिपेयर एक्सपेंस ले लेते हैं नेट करेंगे तो 5.1 मिलियन क्योंकि एक्सपेंस की वजह से प्रॉफिट कम हो जाएगा एक्सपेंस रिकॉर्ड होने से तो 5.1 मिलियन का प्रॉफिट हमारा बच जाएगा जो कि हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर टेन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन ऑप्शन ए है कि इनकरिंग इंटरेस्ट ऑन बिजनेस लोन अब ये तो बिजनेस की ही ट्रांजेक्शन है और इसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट भी है हायरिंग अ न्यू एम्प्लॉय अब एम्प्लॉय हायर करने से तो कोई पैसे ड्यू नहीं बनते तो इवन तो बिजनेस का है लेकिन इसमें कोई फाइनेंशियल इंपैक्ट नहीं है हाँ जब सैलरी पे करेंगे या सैलरी जब ड्यू बन जाएगी तो वो एक फाइनेंशियल बिजनेस ट्रांजेक्शन होगी ऑप्शन सी है परचेजिंग ऑफिस सप्लाई तो ऑफिस के लिए सप्लाईज खरीदी उधार पर भी खरीदी हो तब भी पैसे ड्यू हो गए और कैश पे खरीदी खरीदिए तब भी फाइनेंशियल इंपैक्ट है तो ये बिजनेस इवेंट विथ फाइनेंशियल इंपैक्ट है रिसीविंग फी फॉर सर्विसेज सर्विसेज प्रोवाइड की और उसके पैसे रिसीव किए ये बिजनेस की का इवेंट है और इस पर फाइनेंशियल इफेक्ट भी है कि आपको पैसे मिले तो ए सी और डी तीन ऑप्शन तो ऐसे हैं जिसमें बिजनेस इवेंट है और साथ फाइनेंशियल इंपैक्ट भी है उसका ऑप्शन बी भी बिजनेस इवेंट है लेकिन उसका इमीडिएट कोई फाइनेंशियल इंपैक्ट नहीं है इस वजह से नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन में हम ऑप्शन बी मोस्ट अप्रोप्रिएट कंसीडर करेंगे सो so ये हमारे जो है ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन एंड आंसर वन टू टेन थे दैट्स ऑल फॉर टू हैव अ गुड डे